करा है कि भाई ये ले लो उसे। और एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फूड एंड ट्रैवल भाई सौरभ कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से बनारस की हर चीज़ को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों वाराणसी एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है जो अपने मलमल रेशमी कपड़े इत्र हाथी के दांत के काम और मूर्तिकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मैं बनारस के तेलियाबाग में हूँ जहाँ पर बाटी चोखा रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में हर काम हर चीज़ जो कि यहाँ पर खुद से की जाती है, मतलब हर एक चीज़ जो कि एक प्राचीन तरीके में प्राचीन काल में जैसे बनाई जाती थी देसी तरीके से, वैसे ही यहाँ पर देसी तरीके से हर चीज़ होता है। तो आइए मैं एक बार यहाँ पर आपको बाटी चोखा रेस्टोरेंट की एक झलक दिखाता हूँ और यहाँ पर जो कि साड़ियों के काम होते हैं उनके बारे में भी बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ जो बनारस में जो साड़ी बनती है यहाँ ये भारत की बेहतरीन साड़ियों में से एक है। यहाँ की जो साड़ियाँ हैं सोने चांदी के ब्रिकेट और जरी महीन रेशम शानदार कढ़ाई के लिए जाना जाता है। साड़ियाँ महीन बुने हुए रेशम से बनी होती है, इन्हें जटिल डिज़ाइन किया जाता है। इन जटिल डिज़ाइन के कारण भी ये अपेक्षाकृत थोड़ी भारी हो जाती है। ये चाचा जी लगे हुए हैं अपने इस हाथ से साड़ियाँ बनाने में और ऐसे हाथ की साड़ियाँ बनाने में कम से कम 15 से एक महीने का टाइम लग जाता है एक साड़ी भर बनाने में। ये साड़ियों में फूल और पत्तेदार रूपांकलों कलगा और बेल को दखल देते हैं। ऊपर की ओर झालर नामक सीधी पत्तियों का किनारा देते हैं। सीमा के किनारे इन साड़ियों की विशेषताएं होती है। अन्य विशेषताएं सोने का काम, कॉम्पैक्ट बुनाई, छोटे विवरणों के कारण आंकड़े, ये सारी चीज़ें जो कि इन साड़ियों की विशेषताएं को बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो बनारसी करगा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बाटी चोखा रेस्टोरेंट में ही देखने को मिल जाएगी। इनका खुद का अपना जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही इन्होंने ये सारा मतलब सेटअप क्रिएट कर रखा हुआ है और यहाँ पे ही ये बुनाई उनाई साड़ियों की हर चीज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये खुद का दाल पीसते हैं, इन्होंने इसके लिए कारीगर रखे हुए हैं जो कि यहाँ खुद से ही देसी तरीके से ही दाल को सफाई करते हैं और फिर दाल की खुद से पिसाई करते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर के पैकेट वाली चीज़ यूज़ इस्तेमाल नहीं की जाती है, यहाँ ये खुद से ही हर चीज़ जो है ये खुद से ही बनाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। तो आइए चलते हैं अब हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं। और ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा क्रिएट कर रखा हुआ है, यहाँ के लोग स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वेलकम किया और हर चीज़ गाइड की, पूरा एकदम इन्होंने गांव की तरह क्रिएट कर रखा हुआ है, जैसे एक मचान होता है वैसा क्रिएट कर रखा हुआ है। ये देखिए हर चीज़ इन्होंने पूरे गांव देसी लुक पूरा देसी फील अगर आएगा आप यहाँ पर आएंगे तो आपको डेफिनेटली पूरा एकदम देसी फील आएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ अंदर और भी चीज़ें दिखाता हूँ, ये काफ़ी अमेजिंग है। और ये देखिए पूरे चारों तरफ आपको बैठा के ये खिलाएंगे, पत्तल में खिलाएंगे जो पत्ते का इस्तेमाल होता है उसके थ्रू खिलाएंगे। और ये देखिए लालटेन जो कि गांव में पहले दिए इसी तरह से जलाए जाते थे रात में, वो पूरा इस्तेमाल किया गया है, लालटेन से पूरी हर जगह को वो किया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ पर ये आपको बैठा के खिलाएंगे और फिर इन्होंने चटाई भी रखी हुई है, चारपाई भी रखी हुई है, आप आराम से खा पी के इंजॉय करिए यहाँ पर, काफ़ी मतलब मैं क्या बताऊँ कि पूरा एकदम देसी फील आएगा। और ये देखिए इनका मेन्यू भी काफ़ी यूनिक स्टाइल में इन्होंने दिखाया, 12 बजे से रात को 9 बजे तक। तो आपके यहाँ का ये स्पेशल बाटी चोखा है, काफ़ी फेमस है सर यहाँ का। वो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सही। चलिए अब इनका खाना भी एक बार टेस्ट करते हैं। ये इन्होंने टमाटर की चटनी दी और धनिया की चटनी, प्याज दिए और चोखा दिया, और ये स्टार्टर में इन्होंने पनीर के पकौड़े और दाल के पकौड़े भी दिए।
आइए अब इनका पार्टी देखते हैं। ये पार्टी देखिए, एक पनीर की पार्टी इन्होंने दी है, पूरा इन्होंने पनीर का मसाला भरा हुआ है अंदर, ये आप देख रहे हो। और ये सत्तू का भरा हुआ है, ये देखिए, और पूरा घी से इन्होंने लगा रखा है। इनका बाटी चुका काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, ये देखिए मैं आपको भी टेस्ट कराता हूँ, ये लीजिए थोड़ा आप भी खाइए। ये मूंग के दाल का हलवा है, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, मैंने इसको टेस्ट किया। और ये खीर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। ये देखो खा के पड़े हुए हैं ज़्यादा। YouTube पे भी पूरा नहीं दिखा पा रहा है, पूरा नहीं दिखा पा रहा है, जितना हम दिखाए उतना ही दिखा। तो दोस्तों ये सबसे टेंशन वाली घड़ी होती है, जब आप रेस्टोरेंट में इंजॉय तो कर लेते हो, खा पी लेते हो, और जब सामने बिल आता है तो आप आपके होश उड़ जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो कि क्या करना है। और आप बिल के ब्रेकअप को 2-3 बार पढ़ते हो, जब आपके सामने बिल इतना लंबा चौड़ा हो और ऊपर से अगर क्या कहते हैं कार्ड स्वैप करने वाले टिप का ऑप्शन दिखाते हैं तो और मुंह लटक जाता है कि भाई टिप दे कि ना दे भाई, वो भी ऑनलाइन टिप, चलो इनको कैश देंगे बाद में। ये देखिए बड़ा ही ऑड फील होता है, ये रिसिप्ट में दिखाते हैं टिप ऑप्शन में टिप अमाउंट 0, मतलब कोई टिप मैंने इनको नहीं दिया है ऑनलाइन। वैसे मैं इनको कैश दे दूंगा क्योंकि मेरे पास कैश कुछ पड़े हुए हैं, पर ऑनलाइन टिप यार ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये गन्ने के जूस से देखिए गुड़ बना रहे हैं यहाँ पर, और इनकी यहाँ पर मिठाई की खुद की शॉप है, ये मिठाइयाँ भी काफ़ी अच्छी है इनकी, मतलब ओरिजिनल दिखे हैं। तो मैं अभी तो कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट ऑटोमेटिकली भर चुका है। चलो, चलो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बनारस की कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। दोस्तों मैं आपको तब तक अगले वीडियो में मिलता हूँ, ओके बाय बाय गाइज़।